आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। नरसिंहपुर जिले के गादरवारा मंडी प्रांगण में आज गुरुवार को आयोजित की गई संयुक्त मोर्चे द्वारा किसान महापंचायत में देश के अलग अलग राज्यों से आए किसान नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तीन कृषि बिलों की वापसी की मांग की। उन्होंने कहा कि मोदी एवं शाह को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने पूरा देश अदानी अंबानी को गिरवी रख दिया है। कोरिया से हेमराज राजपूत की रिपोर्ट। जो देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटवारा करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उनसे मुकाबला है हमारा। ये हमारे देश में सबसे बड़े गद्दार ये बीजेपी वाले, गद्दार ये नरेंद्र मोदी, गद्दार ये अमित शाह। ये देश को बांटना और देश में झगड़े करवाना, दंगे करवाना और अपनी सत्ता पे काबिज रहना, यही इनका काम है। और भाइयों, आपको इस बात का ध्यान रहे कि 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो वहां रोज जितने आप साथी बैठे हो, मैं आपसे माफी भी मांग लूंगा, मेरे थोड़े शब्द सख्त होते हैं, क्योंकि जब हम दिल्ली को चले थे तो खट्टर कह रहा था। सभी किसानों को चुप करने का काम शुरू किया गया। 10-11 जनवरी 2017 को 3 दिन का अधिवेशन मध्य प्रदेश की गांधी नगरी में हुआ। और उसी के ऊपर काम करते हुए हम पूरे देश में जा रहे हैं और उसी की ही कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम आज यहाँ मध्य प्रदेश की एक बड़ी रैली को संबोधन करने के लिए हम सभी नेतागण आए थे और यही हमारा मतलब आज का यहाँ आने का मेन वजह थी। और आपका कोई किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो देश में 80% जनता जो है वो कृषि प्रधान है। सभी जानते हैं कि ये जो कानून है किसानों के विरुद्ध है। 11 माह से अधिक हो गए हैं, 7 से 8 लोगों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है सरकार का अहंकार, ईगो। दूसरी जो बड़ी वजह इसके पीछे नजर आ रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेकंड जो इनकी वजह है वो ये है कि जिन कारपोरेट लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट हुई है पूरे भारत के नेचुरल सोर्सेज उनके हवाले करने का, जो इनका तय हुआ सौदा है वो पूरा करना इनका एक निशाना है। और उसके भी पीछे अगर जाएं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो 1994 में हुए समझौते हुए चुके हैं और उनका भी ये इसका मतलब एक परिणाम सामने आ रहा है और उसकी वजह से भी मतलब इनका दिक्कत आ रही है। लेकिन ये जरूर बात है, वो तो एक गेट से बाहर देश को लाने का मामला है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें रहकर देश को मतलब डुबोने का काम करना है। ये जो ज़्यादातर काम हो रहा है ये सिर्फ इसी पर हो रहा है कि हर हाल में अडानी अबानियों को, कारपोरेट्स लोगों को देश का पूरा तंत्र, पूरे का पूरा ढांचा उनके हाथ में देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हो कैसे रेलवे को बेचा जा रहा है, कैसे एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, रेलवे लाइंस बेची जा रही हैं, बड़े बड़े मतलब हमारे देश के जो असाटे हैं सब उनके हवाले किए जा रहे हैं। 11 महीने हो गए, इसका हल क्या है, मतलब क्या लग रहा है, कब हो पाएगा, क्या सरकार